नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन में और आज का ये लेक्चर जो है वो पिछले क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे पिछले क्लास में हम लोग जनजातीय शासन व्यवस्था के बेसिक्स को समझे समझे थे और साथ ही साथ हम लोगों ने उस चैप्ट उस क्लास के अंदर मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा किए थे है ना तो उम्मीद करते हैं कि वो क्लास आप लोग भी देखे होंगे और आज का सेशन का आप लोग इंतजार कर रहे थे कल इंटरनेट के कारण क्लास नहीं हो पाया था और आज भी कुछ उसी प्रकार की संभावना बन रही थी मगर अभी अभी इंटरनेट आ गया है ना क्योंकि रांची के अंदर अभी समस्या कुछ ऐसा है कि जो फाइबर है सब जगह जो फाइबर वायर है उसे नगर निगम जहां तहां काट देता है और उसी के कारण जो है हमेशा इंटरनेट का इशू रहता है कहीं भी मतलब रांची के कोनी -कोनी में फाइबर फैला हुआ है नगर निगम कहीं भी कुछ काम कर रहा होता है अतिक्रमण हटा रहा होता है तो जो भी तार देखता है जो भी फाइबर देखता है सीधे कट कर देता है और उससे सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है है ना तो उसी परेशानी से हम लोग भी चूंकि हम लोग रेगुलर क्लास लेते हैं इसलिए आप लोग को पता चलता है ठीक है जो लोग रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं उनको उनके बारे में आपको पता नहीं चल पाता कि इंटरनेट का इशू है कि नहीं है है ना तो ये कुछ समस्याएं हैं दोस्तों अभी अभी नेट सॉल्व हुआ है अभी मैं एक घंटे से बस इंतजार ही कर रहा था अभी मैं मैसेज टाइप कर रहा था आप लोगों के लिए कि क्लास नहीं हो पाएगा अभी तक नेट नहीं आया है ऐसा कुछ मैसेज मैंने पूरा लंबा चौड़ा टाइप कर लिया था लेकिन वैसे ही तुरंत कॉल आ गया कि आपका नेट आ गया है आप यूज कर सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं आप लोग एक बार जम के शेयर कर दीजिए इस सेशन को बहुत कुछ आज भी आप लोगों को जानने को सीखने को मिलेगा और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को नागवंशी शासन व्यवस्था को समझाऊंगा और सारी जो बातें हैं उसके अंदर वो मैं आप लोगों को याद करवाने का प्रयास करूंगा इसी क्लास के अंदर तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा पिछला क्लास आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उम्मीद करते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया होगा है ना मुंडा शासन व्यवस्था से कोई भी सवाल अब आप लोगों का नहीं छूटेगा ये मैं उम्मीद करता हूं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास को थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अच्छे से एक बार मुझे कमेंट करके बताइए मेरी आवाज आप तक साफ साफ पहुंच पा रही है एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए और एक बार भाइयों मित्रों एक बार वीडियो को सब लोग लाइक करिए है ना लाइक जरूर कर दीजिए साथियों सभी लोगों से निवेदन होगा एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करिए चलिए फटाफट लाइक कीजिए सब लोग चलिए तो सबसे पहले जो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको एक बार दोबारा से चर्चा कर लेते हैं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पेन मेरा कहाँ गया थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए पेन किधर रख दिए सर बहुत प्रॉब्लम है यार चलिए जुड़ गए सब लोग एक मिनट वेट Sorry दोस्तों आप लोग को इंटरप्शन का सामना करना पड़ता है चलिए जुड़ गए सब लोग तो हम लोग सबसे पहले पिछले क्लास को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से मुंडा शासन व्यवस्था झारखंड की वो शासन व्यवस्था थी जो मुंडाओं ने प्रारंभ की थी और झारखंड में राज निर्माण की प्रक्रिया अगर किसी ने सबसे पहले शुरू की तो वो मुंडाओं के द्वारा शुरू की गई थी सुतिया नागखंड नाम से एक राज्य की स्थापना की गई थी सुतिया पाहन को उसका राजा बनाया गया था और रीसा मुंडा के द्वारा राज्य की स्थापना की गई थी फिर आप लोगों ने देखा कि उनका जो शासन करने का जो तरीका था जो शासन का जो स्ट्रक्चर था वो किस प्रकार का था उसमें जो शासन की केंद्रीय इकाई थी अभी आया अभी आया कट गया था पूरा दिमाग की दही कर दिया है इंटरनेट वालों ने और यह झारखंड के रांची नगर निगम वालों ने मैं कल इंटरनेट वाले की भी समस्या सुना सुना उनकी जब बात तो तो लगा कि तो पूरी तरह से गवर्नमेंट की ही गलती है कहीं भी तार को जाके काट देता है बिना सोचे समझे बिना ये कि ये तार कहाँ गया है उससे कितना काम डिस्टर्ब होगा अभी दोबारा से आ गया है दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग जानते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में है ना किसके बारे में नागवंशी शासन व्यवस्था नागवंशी शासन व्यवस्था ठीक है तो नागवंशी शासन व्यवस्था जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे आप लोग मुंडा शासन व्यवस्था अच्छे से पढ़ लिए हैं ना क्योंकि बहुत सारी चीजों में आप लोगों का कंपेरिजन करना होगा कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो आप लोगों का जो है किसी तरह की परेशानी नहीं होगी आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाएगा और याद भी आपको आराम से हो जाएगा ठीक है तो नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या था दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो सुतिया नागखंड नाम का जो राज स्थापित हुआ था उस सुतिया नागखंड का जो अंतिम राजा था उसका नाम था मदरा मुंडा है ना और मदरा मुंडा जो था ना उसका एक दत्तक पुत्र था दत्तक पुत्र का मतलब होता है पाला हुआ पुत्र है ना उसका अपना पुत्र नहीं था दत्तक पुत्र था यानी पाला हुआ पुत्र था और उस पुत्र का नाम था मुकुट राय है ना मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को मुंडा शासन व्यवस्था आप लोगों ने पढ़ लिया है उसी मुंडा शासन व्यवस्था में अंतिम राजा जो था जो सुतिया नागखंड का अंतिम राजा जो था आप लोग को थोड़ा बताना चाहेंगे यहां पर सुतिया नागखंड का अंतिम राजा है ना जो सुतिया नागखंड राज था दोस्तों सुतिया नागखंड जो राज था जिसकी स्थापना इस राजव्यवस्था इसका जो प्रथम राजा था इसका प्रथम राजा का नाम तो आप लोग को पता होगा है ना कौन सुतिया पाहन कौन सुतिया पाहन और इसका जो अंतिम राजा था इसका जो अंतिम राजा था उसका नाम क्या था उसका नाम था दोस्तों मदरा मुंडा क्या नाम था इसका मदरा मुंडा ठीक है इसके अंतिम राजा का क्या नाम था दोस्तों मद्रा मुंडा इसका नाम था और ये जो मद्रा मुंडा था ना इसी मद्रा मुंडा का इसी मद्रा मुंडा का दत्तक पुत्र था दत्तक पुत्र जो था जिसका नाम था फनी मुकुट राय फनी मुकुट राय ठीक है ट राय इसी मदरा मुंडा का दत्तक पुत्र था और मदरा मुंडा ने अपने राज्य में जितने भी पढ़ा थे आप लोगों ने पढ़ा था ना उस दिन 12 से 20 गांव मिला करके एक पढ़ा बनता था और 22 पढ़ा मिला करके एक राज बनता था ठीक है तो जितने भी पढ़ा थे इसके राज्य में मदरा मुंडा के राज्य में उन सभी पढ़ाओं के मानकियों से सलाह मशवरा करके इसने अपना राज जो है वो फनी मुकुट राय को सौंप दिया ठीक है और इसी फनी मुकुट राय ने इसी फनी मुकुट राय ने नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की फनी मुकुट राय के द्वारा ही नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और नागवंश की स्थापना की गई है ना नागवंश की स्थापना हो गई ठीक है साथियों यहां पर नागवंश की स्थापना हो जाती है फनी मुकुट राय के द्वारा पूरी ये स्टोरी को आप लोग को समझना जरूरी है क्योंकि ये ये जो चैप्टर है ना ये पूरा कंफ्यूजन से भरा हुआ चैप्टर है इसलिए मैं स्टोरी बनाकर करके आपको समझा रहा हूं पूरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा यह मत सोचिएगा कि दो नंबर के लिए इतना देर पढ़ें एक बार पढ़िए ऐसा पढ़िए कि स्टोरी दिमाग में फिट हो जाए उसके बाद आप लोग को परेशानी ना हो नोट्स भी भी बनाते जाइएगा आप आप लोग ताकि आप लोग ताकि कभी रिवाइज कर सकते हैं ठीक है एक बार इस शासन व्यवस्था को पढ़ने से पहले बैकग्राउंड में दोबारा चलते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा शासन व्यवस्था यानी मुंडाओं की शासन व्यवस्था मुंडाओं की शासन व्यवस्था मतलब वही शासन व्यवस्था जिसे रिसा मुंडा के द्वारा स्थापित की गई थी रिसा मुंडा के द्वारा स्थापित जरूर की गई थी लेकिन उसका राजा जो नियुक्त किया गया था पहला वो सुतिया नाखंड को नियुक्त किया गया था और सुतिया पाहन को नियुक्त किया गया था सुतिया नाखंड ने सुतिया पाहन को नियुक्त किया गया था और सुतिया पाहन जो था साथियों है ना प्रथम राजा जो सुतिया पाहन था ये अपना शासन चला रहा था इसी सुतिया नागखंड राज्य में जो सुतिया पाहन का राज्य था इसी राज्य में जो अंतिम राजा हुआ ना उसका नाम था मदरा मुंडा मदरा मुंडा इसका अंतिम राजा रहा मदरा मुंडा ने अपना जो सत्ता है वो ट्रांसफर कर दिया किसको ट्रांसफर कर दिया तो जिसे वो पाल पोसकर बड़ा किया था ना जिसका नाम था फनी मुकुट राय है ना फनी मुकुट राय जो मदरा मुंडा का दत्तक पुत्र था ना उसको वो अपना राज्य ट्रांसफर कर देता है और ऐसे ट्रांसफर नहीं किया था कि उसका दत्तक पुत्र है तो ट्रांसफर कर देगा उससे तो प्रजा में नाराजगी फैल जाएगी ना और उसके राज्य में भी जो पदाधिकारी हैं उसमें भी नाराजगी फैल जाएगी तो मदरा मुंडा ने क्या किया कि जितने भी पढ़ा थे उन पढ़ा के मानकियों से सलाह मसवरा करने के पश्चात है ना जो पढ़ा के जो मानकी थे ना उससे सलाह मशवरा करने के पश्चात अपना जो राज था उसे किसे स्थानांतरित कर दिया फनी मुकुट राय को स्थानांतरित कर दिया ठीक है और फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना कर दी फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना कर दी यहां तक स्पष्ट हो गया अब देखिए ये जो फनी मुकुट राय नागवंश की स्थापना करता है शुरुआत में इस नागवंश में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जिस प्रकार से मुंडा शासन व्यवस्था चल रही थी उसी प्रकार से नागवंशी शासन व्यवस्था कंटिन्यू की जाती है यहां तक कि नागवंशियों ने या फनी मुकुट राय ने अपने राज्य के शासन को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए इसने क्या किया कि जो मुंडा शासन व्यवस्था में जो पढ़ा पंचायत व्यवस्था चल रही थी उस पढ़ा पंचायत व्यवस्था से उस पढ़ा पंचायत के अधिकारियों से लगातार सलाह मशवरा करता रहता था उनसे मदद भी लिया करता था अपने राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए है ना अगर मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण अंतर की बात करें हालांकि हम अंत में अंतर की बात करेंगे तो मुंडा शासन व्यवस्था एक सीमित क्षेत्र तक फैला था दोस्तों जबकि नागवंशी शासन व्यवस्था ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया नागवंशी शासन व्यवस्था में नागवंशियों ने अपनी राजधानी भी बनाई अलग अलग राजाओं ने अपने अपने अलग अलग राजधानी बनाए और जो राजधानी होता था वो कहीं सुरक्षित स्थान में होता था झारखंड में जहां भी नागवंशियों ने राजधानी बनाई वो रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होता था जहां पे किसी का पहुंचना आसान नहीं होता था जंगलों के बीच में राजधानियां बनाई जाती थी पहाड़ों पे राजधानियां बनाई जाती थी जिससे क्या होता था कि उनकी सुरक्षा बेहतर तरीके से हो पाती थी ठीक है तो मैं आप लोगों को समझाना यह चाह रहा हूं दोस्तों कि नागवंशियों के समय नागवंशियों के समय शासन व्यवस्था उसी तरह से चल रही थी जैसे मुंडाओं के समय चल रही थी मुंडा शासन व्यवस्था में जैसी थी लेकिन नागवंशियों के समय शासन व्यवस्था में बड़ा बदलाव तब आता है जब मुगलों का आक्रमण इनके क्षेत्र में होता है आपको पता होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा जब क्षेत्रीय राजवंश पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जहांगीर के समय इब्राहिम खां के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था है ना इब्राहिम खां के नेतृत्व में जहांगीर के समय नागवंशी क्षेत्र में आक्रमण हुआ था और उस समय नागवंशी जो राजा था नागवंश का जो राजा था वो दुर्जन साल था दुर्जन साल को पकड़ करके उसे कैद कर लिया गया था उसे ग्वालियर के किले में जाकर के बंद कर दिया गया था और लगभग 12 वर्षों तक उसे ग्वालियर के किले में बंद रखा गया था तो जो मुगलों का आक्रमण इस क्षेत्र में हुआ नागवंशियों के क्षेत्र में उसके बाद इनके काम करने के तरीके में शासन करने के तरीके में थोड़े बहुत बदलाव आने शुरू हुए कहानी समझ में आ रहा है ना आप लोग को एक बार मुझे कमेंट करके बताइए ना आप लोग कि मैं हर कुछ अभी लिख लिख के बताऊं या पूरा एक स्टोरी समझा दूं उसके बाद मेन मेन पॉइंट में आप को सारी चीजें लिखवा दूंगा एक बार मैं पूरा स्टोरी आपके दिमाग में फिट करना चाह रहा हूं ठीक है कि मुंडाओं की जो शासन व्यवस्था थी उसी तरह से चल रही थी नागवंशियों की शासन व्यवस्था लेकिन नागवंशियों की शासन व्यवस्था को प्रभावित किसने किया तो मुगलों के आक्रमण ने नागवंशी की शासन व्यवस्था को इनके कार्य करने के तरीकों को प्रभावित किया और जहांगीर के समय इब्राहिम खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है नागवंशी क्षेत्र में दुर्जन साल उस समय राजा था और दुर्जन साल को पकड़ करके उसे ग्वालियर के किले में बंद कर दिया जाता है बारह वर्षों बाद उसे छोड़ा जाता है लेकिन छह हजार रुपये उसे वार्षिक कर के कर के एवज में छोड़ा जाता है कि अब आपको मुगलों को छह हजार रुपए वार्षिक कर देना पड़ेगा जब नागवंशियों पर कर का लोड पड़ा, जब नागवंशियों को मुगलों को नियं, नियमित तौर पर मालगुजारी देनी पड़ने लग गई तब नागवंशियों ने इस कर के बोझ को कम करने के लिए अपनी प्रजा अपनी जनता पर मालगुजारी सौंप दिया मतलब आपने समझा कि जब मुगलों के द्वारा नियमित मालगुजारी ली जाने लगी नागवंशियों से तो ये लोग जो है जनता से मालगुजारी लेने लगे ठीक है तो ये पूरी कहानी है दोस्तों कि किस प्रकार से परिवर्तन आता है नागवंशी शासन व्यवस्था में ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया ठीक है तो चलिए हम लोग अब एक एक करके बातचीत की शुरुआत करते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चलिए तो नागवंशी शासन व्यवस्था आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोरी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा नागवंशी शासन व्यवस्था ठीक है नागवंशी शासन व्यवस्था यानी फनी मुकुट राय के द्वारा फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंश की स्थापना चौसठ एडी में होती है दोस्तों है ना यह स्थापना कब होती है 64 एडी की यह घटना है काफी पुरानी घटना है पहली शताब्दी की यह घटना है जब फनी मुकुट राय के द्वारा नाग वंश की स्थापना की जाती है ठीक है चौसठ एडी की एक घटना है और इसी नागवंशियों के द्वारा जो शासन व्यवस्था संचालित की जा रही थी देखिए शुरुआत में क्या था शुरुआत में शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया कोई परिवर्तन नहीं किया गया मुंडाओं की तरह ही मुंडाओं की तरह शासन व्यवस्था का संचालन होता था ठीक है देखिए एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है यहां पर जो आप लोग को पता होना चाहिए कि मदरा मुंडा के द्वारा अपने दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय को सत्ता का जो हस्तांतरण किया गया यह जनजातीय लोगों के द्वारा गैर जनजाति व्यक्ति को सत्ता सौंपने का एक बहुत ही यूनिक उदाहरण है समझे गैर जन जन्ज, एक जनजाति व्यक्ति मदरा मुंडा उसके द्वारा एक गैर जनजाति हालांकि वो उसका दत्तक पुत्र था लेकिन वो जनजाति नहीं था फनी मुकुट राय तो एक गैर जनजाति के द्वारा एक, एक गैर जनजाति को सत्ता का हस्तांतरण का एक बहुत ही यूनिक उदाहरण है समझे फनी मुकुट राय ने सत्ता को उसी तरह से चलाया है ना परिवर्तन कब हुआ इनके शासन में परिवर्तन कब हुआ दोस्तों तो परिवर्तन होता है मुगलों के आक्रमण के बाद मुगलों के आक्रमण के बाद ठीक है जो बैच वाले छात्र हैं सबको मैं अपने तरीके से अच्छे से नोट्स बना के दे दूंगा है ना जो YouTube पे देख रहे हैं आप लोग जो है नोट करते जाइएगा ठीक है जो बैच में जुड़े हैं चाहे जेपीएससी में हो या फिर झारखंड जी के स्पेशल बैच में हो आप लोग को मिल जाएगा नोट्स, है ना क्लास का चलिए तो परिवर्तन कब होता है इनके शासन करने के तरीकों में मुगलों के आक्रमण के बाद इनके शासन करने के तरीके में बड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं ठीक है ना दोस्तों चलिए यहां तक आप लोग देख लीजिए नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले लीजिए है ना ये जो नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना यहां पर की गई इसका जो राजधानी बनाया गया था इसका जो राजधानी था कहा रखा गया था राजधानी जो था वो था सुतियांबे ठीक है सुतियांबे अभी भी आप देख सकते हैं रांची के ही निकट है रांची में पिठोरिया के निकट सुतियांबे का जो राजा का गढ़ था जहां पे राजा जहां फनी मुकुट राय अपना राजधानी बनाया था वो रांची के ही निकट पिठौरिया एक जगह है पत्रातु जाने के क्रम में वो मिलता है उसी पिठौरिया से एक किलोमीटर दो किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर वो सुतियांबे नाम का गांव आज भी है है ना क्लियर हो गया दोस्तों तो सुतियांबे इसकी राजधानी थी और शुरुआत में शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया मुंडाओं की तरह ही शासन व्यवस्था संचालित होता था परिवर्तन कब होता है मुगलों के आक्रमण के बाद इनके शासन करने के तरीकों में परिवर्तन देखने को मिलता है ठीक है दोस्तों चलिए अब देखिए शासन व्यवस्था वैसे ही चल रहा था इसका मतलब यह हुआ कि भू राजस्व जो व्यवस्था थी भू राजस्व व्यवस्था वो भी उसी तरह से चल रही थी है ना इसकी जो कर व्यवस्था थी वो भी उसी तरह से चल रही थी मतलब कोई बड़े परिवर्तन नहीं हुए थे बिल्कुल मुंडाओं की तरह चल रहा था अब हम लोग परिवर्तन की बातचीत कर लेते हैं ठीक है परिवर्तन कब होता है जैसा कि मैंने आपको बताया मुगलों के आक्रमण के बाद है ना अब होता है नागवंशी क्षेत्रों में नागवंशी क्षेत्रों में नागवंशी क्षेत्रों में मुगलों का आक्रमण मुगलों का आक्रमण ठीक है नागवंशी क्षेत्रों में मुगलों का आक्रमण होता है दोस्तों और इसका ही यह प्रभाव पड़ता है कि मुगलों के आक्रमण के बाद है ना मुगलों के आक्रमण के बाद क्या क्या चीजें घटती है उसको आप लोग को ध्यान रखना है एक कि मुगल सेना द्वारा है ना मुगल सेना द्वारा कर वसूली है ना मुगल सेना के द्वारा न, कर वसूली कर ये नजराना वसूली किया जाता था जिसको क्या बोला जाता था इसको कहा जाता था माल गुजारी क्या कहा जाता था माल गुजारी कहा जाता था ठीक है और ये जो नजराना जो था शुरुआत में ये माल गुजारी जो था ये नियमित वसूल किया जाता था अब बोलो भाई कि जब मुगलों को कर देना पड़ेगा माल गुजारी देना पड़ेगा नागवंशियों को है ना नागवंशियों को जब मुगलों को कर देना पड़ेगा तो ये लोग कहां से लाएंगे तो ये लोग भी क्या किए अपनी प्रजा पर कर लगा दिए है ना नागवंशी भी कर वसूलने लगे प्रभाव क्या पड़ा इसका प्रभाव क्या पड़ा प्रभाव यह पड़ा कि नागवंशी भी नागवंशी भी कर वसूलने लगे किनसे कर वसूलने लगे अपनी प्रजा से आम जनता से कर वसूलने लगे इस कर को भी माल गुजारी कहा जाता था ठीक है इस कर को भी क्या कहा जाता था माल गुजारी कहा जाता था हालांकि यह भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि ये जो मालगुजारी लिया जाता था नागवंशियों के द्वारा यह नियमित तौर पर लिया जाता था लेकिन मुगलों को शुरुआत में तो नियमित कर दिया जाता था लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में वो कर अनियमित हो गया मतलब मुगल लोग जब मांगने आते थे तब दिया जाता था और नहीं मांगने आते थे तो छोड़ दिया जाता था तो मुगलों ने तो नियमित शुरुआत में लिया था बाद में वो अनियमित हो गया लेकिन नागवंशियों के द्वारा प्रजा से जो कर वसूले जा रहे थे वो बिल्कुल नियमित तौर पर वसूले जा रहे थे ठीक है वो बिल्कुल नियमित तौर पर वसूले जा रहे थे चलिए क्लियर हो गया साथियों यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना अब ये जो कर वसूलने की ये मालगुजारी वसूलने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जानते किसको दी गई थी ये मालगुजारी वसूलने की जिम्मेदारी वसूलने की जिम्मेदारी जो दी गई थी वो किसको दी गई थी मानकियों को दे दी गई थी मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी आप लोग पढ़े थे ना पढ़हा का जो प्रमुख होता था पढ़हा का जो प्रमुख होता था उसको मानकी कहते थे उसको पढ़ा राजा बोलते थे तो नागवंशी शासन व्यवस्था में जब मालगुजारी वसूली जाने लगी आम जनता से तो वो मालगुजारी वसूलने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, दिया गया वो किसको दिया गया उसी पढ़ा राजा को दिया गया जो मानकी होता था उसी को दे दिया गया हालांकि जब ये लोग कर रेवेन्यू बहुत कलेक्ट करने लगे तो बाद में एक जागीरदार भी रख दिए थे कर वसूली करने के लिए समझे शुरुआत में मानकी ही कर वसूली का काम करता था शुरुआत में जो काम दिया गया मानकी को ही दिया गया मालगुजारी वसूलने का लेकिन बाद में है ना बाद में मालगुजारी वसूलने के लिए वसूलने के लिए बाद में मालगुजारी वसूलने के लिए जागीरदार नियुक्त किया गया ये सब परिवर्तन हुए हैं जो आप लोग को प, प, याद होना चाहिए जागीरदार की नियुक्ति की गई ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा कि पहले मुगलों के द्वारा कर वसूला जाने लगा मालगुजारी वसूली जाने लगी उसके बाद उसका प्रभाव यह पड़ा कि यह कर जनता पर बोझ पड़ा नागवंशियों ने जनता से कर वसूलना शुरू किया मालगुजारी वसूलना शुरू किया नागवंशियों ने है ना और ये मालगुजारी जो है उसको वसूलने का काम मानकियों को दिया गया बाद में जो है इसको वसूलने का काम करने के लिए एक नियुक्ति किया गया जागीरदार की नियुक्ति की गई अब दोस्तों यहां पर कुछ परिवर्तन मैं आपको बताना चाहता हूं फिर फिर से आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा टेंशन मत लीजिएगा देखिए मानकी का जो नाम है ना मानकी मानकी जो था इसको क्या कहा जाने लगा इसको भूईहर कहा जाने लगा नागवंशी शासन व्यवस्था में जो पढ़ा पंचायत पढ़ा राजा जो था जो मानकी था मुंडा शासन व्यवस्था में उसका नाम हो गया भूईहर ठीक है जब इसको कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई मालगुजारी वसूलने की जिम्मेदारी दी गई ठीक है चलिए सचिन कुमार ने वीडियो को लाइक कर दिया थैंक यू भाई आप लोग सब लोग लाइक कर दो यार अच्छा लग रहा है तो ठीक है भूहर कहा जाने लगा मानकी को, कहा लगा? मानकी को क्या कहा जाने लगा मानकी को भूहर कहा जाने लगा यह बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा मानकी को क्या कहा जाने लगा मानकी को भूहर कहा जाने लगा जब इसको मालगुजारी वसूलने की जिम्मेदारी मिली तब इसको भूहर कहा जाने लगा एक बड़ा परिवर्तन आप लोग को समझ में आ गया एक बड़ा परिवर्तन आप लोग को समझ में आ गया अच्छा जो पढ़ा था जो पढ़ा था उसमें ठीक है इसको पट्टी कहा जाने लगा पढ़ा को क्या कहने लगे ये लोग नागवंशी लोग नागवंशी लोग जो है वो पढ़ा को पट्टी कहने लगे ठीक है मानकी को भूहर कहा जाने लगा पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा और अगर हम मुंडा शासन व्यवस्था में अगर हम बात करें तो जो मानकी मुंडा की व्यवस्था थी मानकी मुंडा व्यवस्था जो थी इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ भूईहरी व्यवस्था स्थापित हो गई ये सारे बदलाव कब हुए मुगलों के आक्रमण के पश्चात जब इनको मालगुजारी देना पड़ा ना तब ये परिवर्तन नागवंशियों ने अपने राज व्यवस्था के अंदर अपनी शासन व्यवस्था के अंदर ये बड़े परिवर्तन किए ठीक है मुंडा मान की व्यवस्था हम पर क्यों लिखे हैं मुंडा मान की अगर हम बात करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था की तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख कौन होता था मुंडा होता था और पढ़ा का जो प्रमुख होता था कौन होता था मान की होता था तो वो जो पूरी व्यवस्था उसको क्या बोलते थे मुंडा मान की व्यवस्था बोल सकते हैं गांव और पढ़ा को मिलाकर मुंडा मान की व्यवस्था था ना वही मुंडा मान की व्यवस्था कह सकते हैं चूंकि मानकी को भूहर कहा जाने लगा पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा तो यह मुंडा मानकी की जो व्यवस्था थी मानकी मुंडा व्यवस्था थी उसे भूहरी व्यवस्था कहा जाने लगा इसको भूहरी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया चलिए समझ में आया दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए मुझे उम्मीद है नहीं होना चाहिए ठीक है इसमें जो पट्टी है दोस्तों ये पट्टी जो है प्रशासनिक कार्यों को देखता था गांव की जो व्यवस्था थी गांव की व्यवस्था पहले जैसा रही मतलब वहां पहले जैसा ही चलता रहा लेकिन जैसे शासन का केंद्र बिंदु पहले गांव था ना मुंडा शासन व्यवस्था में इसमें शासन का केंद्र बिंदु जो है गांव नहीं रहा गांव पहले जैसा संचालित जरूर हो रहा था लेकिन शासन का केंद्र बिंदु मुख्य रूप से प्रशासन जो है पढ़ा स्तर पर चलने लगा और पढ़ा स्तर को इसमें क्या कहा जाने लगा पट्टी कहा जाने लगा और भूह भूहर कहा जाने लगा किसको जो उसका प्रमुख होता था जो मानकी होता था उसको भूईहर कहा जाने लगा ठीक है ना समझ में आया ना यहां तक दोस्तों अभी हम स्ट्रक्चर को अलग से डिफाइन करके बताएंगे थोड़ा सा ध्यान से सुनते चलिए सब कुछ आपके दिमाग में याद हो जाएगा एक बार पूरा लास्ट में पांच -दस मिन में मिनट कहानी को रिवाइज भी करा दूंगा ठीक है ना चलिए अब देखिए दोस्तों ये जो बदलाव हुए आखिर ये जो नागवंशी शासन व्यवस्था चल रही थी ठीक है ये कैसे कमजोर पड़ी कमजोर कैसे पड़ी हम आप लोग को लास्ट में बताएंगे है ना लास्ट में बताएंगे उससे पहले आप लोग को यह बताना मुझे जरूरी लग रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर था है ना इसका जो स्ट्रक्चर था किस प्रकार का था चलिए आगे बढ़े यहां तक लिख लिया आप लोग चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर का सोर्स भी बताना जरूरी है स्ट्रक्चर का सोर्स भी बताना जरूरी है डॉक्टर बीपी केसरी की एक किताब है डॉक्टर बीपी केसरी की किताब डॉक्टर बीपी केसरी की एक किताब है इस किताब का नाम है दोस्तों क्या इस किताब का नाम है छोटा नागपुर का इतिहास छोटा नागपुर का इतिहास कुछ संदर्भ कुछ सूत्र है ना कुछ संदर्भ कुछ सूत्र अब इस किताब का नाम हम क्यों लिए यहां पर यह आप लोग के दिमाग में सवाल उठ रहा है कि नहीं डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी की के किताब है छोटा नागपुर का इतिहास कुछ संदर्भ कुछ सूत्र इस किताब में ना ये जो किताब है ये नागवंशी शासन व्यवस्था का नागवंशी शासन व्यवस्था में जो काम करने वाले अधिकारी थे उनका वर्णन मिलता है है ना इस किताब में नागवंशी शासन व्यवस्था नागवंशी शासन व्यवस्था में कार्य करने वाले अधिकारियों का वर्णन मिलता है अधिकारियों का वर्णन मिलता है यह बात भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है पूछ दिया जाएगा कि छोटा नागपुर के अंदर जो जो नागवंशियों की जो शासन व्यवस्था चल रही थी नागवंशी शासन व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर था उसमें कौन कौन से अधिकारी थे है ना उसका वर्णन किस किताब में मिलता है तो विशेश्वर प्रसाद केसरी की एक किताब है है ना डॉक्टर बीपी केसरी की एक किताब है छोटा नागपुर का इतिहास कुछ संदर्भ कुछ सूत्र ये पूरे किताब का नाम है छोटा नागपुर का इतिहास कुछ संदर्भ कुछ सूत्र जी बिल्कुल झारखंड की ही की क्लास चल रही है मेरे दोस्त सचिंता सिंह पूछ रही हैं। ठीक <laughs> है कुछ संदर्भ कुछ सूत्र एक किताब है इसका डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी जी की किताब है और इसमें छोटा नागपुर का जो नागवंशी शासन व्यवस्था में कार्य करने वाले अधिकारी थे उसका वर्णन इसी किताब में मिलता है दोस्तों उनका वर्णन जो है इसी किताब में मिलता है समझ में आया यहां तक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया ना पूरा अब चलिए इस किताब के अनुसार हम स्ट्रक्चर पर भी बातचीत कर लेते हैं क्या आखिर स्ट्रक्चर था इसका शासन व्यवस्था का इनके शासन व्यवस्था का इस पर भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं ठीक है तो नागवंशी शासन व्यवस्था का नागवंशी शासन व्यवस्था की संरचना ठीक है नागवंशी शासन व्यवस्था की संरचना इसमें अगर हम गांव की बात करें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गांव की ठीक है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी तो गांव की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस गांव की बात करें यानी ग्रामीण स्तर पर गांव बोलिए या ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण स्तर आप लोग को पता होना चाहिए ग्रामीण स्तर पर इस किताब के अनुसार अगर हम बीपी केसरी की किताब के सोर्स माने तो ग्रामीण स्तर पर 22 अधिकारी होते थे ठीक है ग्रामीण स्तर पर कितने अधिकारी होते थे 22 अधिकारी होते थे उतना बाइसों का नाम आप लोग को याद रखना जरूरी नहीं है अगर आप मुंडा शासन व्यवस्था पढ़े हैं तो वो सब अधिकारी इसमें भी काम कर रहे थे वही सब अधिकारी थे सब बाइसों का नाम याद रखना जरूरी नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है हम आपको बता दे रहे हैं मुख्य रूप से अगर हम बात करें मुख्यतः बात करें अगर तो कौन कौन इसमें मुख्य है यह क्लियर कर दे रहे हैं सबसे मुख्य है इसमें महतो जी समझे महतो जो है ना वो गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है गांव का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है नागवंशी शासन व्यवस्था में वो कौन है महतो है ठीक है आप लोग को समझ में आ रहा है तो एक बार सब लोग लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा ठीक है चूंकि ये क्लास यूट्यूब पे लाइव चल रही है तो यूट्यूब वाले क्लास में बस इतना आप लोगों से मुझे आशा रहती है कि आप लोग लाइक और कमेंट करें उसके बाद एक पद था भंडारी का पद इसमें इंपॉर्टेंट पद बता दे रहे हैं बाईसों पद बताना जरूरी नहीं है पूछा नहीं जाएगा आप लोग को भंडारी का जानते हैं क्या काम था राजा के गांव में खेतीबारी करने और अन्न के भंडारण के लिए इसको नियुक्त किया गया था ठीक है राजा के क्षेत्र में जितने भी गांव आते थे राजा के गांव में खेतीबारी करने और अन्न का भंडारण करना अन का भंडारण करना यह किसका काम था भंडारी का काम था ग्रामीण स्तर पर जो तीसरा प्रमुख पदाधिकारी था वो था भंडारिक कौन था भंडारिक यह भंडार गृह का क्या था भंडार गृह जो था जहां पर अन्न वगैरह रखा रहता था भंडार गृह का प्रहरी था मतलब कह सकते हैं कि गुड्स गार्ड ठीक है भंडार गिरी जो था ना उसका प्रहरी था ठीक है दोस्तों ठीक है तो ग्रामीण स्तर पर 22 अधिकारी होते थे मुख्य अधिकारी ये लोग हैं महतो गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पूछ देगा आपको कि शासन व्यवस्था में गांव का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन था गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? था। तो महतो शासन व्यवस्था में भंडारी का क्या काम था तो राजा का जो क्षेत्र में जो भी गांव आते थे उन गांव में खेती करवाना और अन्न का भंडारण करना यह काम किसका था भंडारी का था भंडारी के एक पद होता था भंडारिक का काम होता था भंडार गृह की रक्षा करना भंडार गृह में गार्डिंग करना या भंडार गृह के प्रहरी के रूप में वो काम करता था क्लियर हो गया दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस स्तर पर पट्टी स्तर पर ठीक है अगला जो स्तर है वो कौन सा है पट्टी स्तर पट्टी किसको कहा जाता है मुंडा शासन व्यवस्था में जिस जिस लेवल पर पढ़ा था नागवंशी शासन व्यवस्था में उसी पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा था ठीक है तो पट्टी स्तर की अगर हम बात करें तो पट्टी स्तर में आप लोग को क्या क्या जानकारी होना चाहिए पहला जानकारी ये होना चाहिए कि ये जो पट्टी है यह पढ़ा का बदला हुआ नाम है पढ़ा को ही पट्टी कहा जाता था पट्टी कहा जाने लगा पट्टी का प्रमुख पट्टी का प्रमुख को क्या कहा जाने लगा हर कहा जाने लगा पट्टी के प्रमुख को क्या कहा जाने लगा उसको भूहर कहा जाने लगा ठीक है यानी आप कह सकते हैं कि पट्टी स्तर का सबसे प्रमुख भूहर जो है ना ये पट्टी स्तर का सबसे प्रमुख सबसे प्रमुख व्यक्ति है पट्टी यहां पे लिखा हुआ है प्रमुख इसको लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है इस भूहर के काम की बात करें तो भूहर जो था ना इसका काम था मालगुजारी वसूलना मालगुजारी वसूलना ठीक है लेकिन आप लोग को यह भी याद रखना है बाद में माल गुजारी वसूलने के लिए के लिए जागीरदार की नियुक्ति की गई माल गुजारी वसूलने के लिए किसकी नियुक्ति की गई तो जागीरदार की नियुक्ति बाद में कर दी जाती है ठीक है यह बात भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा यह जो भूहर था ना यह जो भूहर था इसके अधिकारों में कटौती की गई जैसे मुंडा शासन व्यवस्था से तुलना कीजिएगा तो इसको काफी अधिकार मिले हुए थे हालांकि कोपरेटिव था उसको लगान प्राप्त नहीं होता था पट्टी जो पढ़ा स्तर था लेकिन इस स्तर में आने के बाद यानी नागवंशी शासन व्यवस्था में इसके अधिकारों को कम कर दिया गया ठीक है कम कर दिया गया हालांकि कर वसूलने का जिम्मा तो इसको था ही लगान वसूलने का न्यायिक और राजनीतिक अधिकार इसका बना हुआ था ठीक है जितना आप देखिए जितना बता रहे हैं ना उसमें से क्वेश्चन आपका निकल के आ जाएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका तो आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा ठीक है समझ में आएगा दोस्तों ये हो गया आपका पढ़ा लेवल पर बातें हो गई जागीरदार बाद में नियुक्त किया गया एक और था इस लेवल पर पाहन ठीक है इसी लेवल पर एक हो गया ये हो गया सॉरी पट्टी लेवल पर बात कर रहे हैं ना ठीक है पाहन इसका काम जानते हैं क्या होता था कि किसी भी तरह का आयोजन करवाना जैसे अगर किसी भोज का आयोजन करवाना है किसी मेला का आयोजन करवाना है प्रसाद वितरण करना है किसी पूजा पाठ का आयोजन करवाना है तो किसी भी प्रकार के आयोजन करवाने के लिए है ना आयोजन करवाने का जो काम था वो किसका था पाहन का था इस शासन व्यवस्था में नागवंशी शासन व्यवस्था में आयोजन कराने का काम किसका था है ना आयोजन कराने का मतलब समझ रहे ना आप लोग जैसे मान लीजिए बलि का आयोजन कहीं करवाना है मान लीजिए भोज का आयोजन कहीं करवाना है मान लीजिए प्रसाद का आयोजन कहीं करवाना है तो प्रसाद का आयोजन ऐसी थोड़ी होगा प्रसाद वगैरह मंगवाना होगा उसको बनवाना होगा किसी भी कार्यक्रम को अगर करवाना है तो उसके लिए जो पाहन था उसको जिम्मेदार जिम्मेवारी सौंपी गई थी देखिए नागवंशी शासन व्यवस्था में बहुत सारी आप लोग को नई चीजें आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इस ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा था जिस प्रकार से मुंडा शासन व्यवस्था काम कर रहा था थोड़े बहुत बस बदलाव हुए थे ठीक है ना समझ में आ गया सबको चलिए अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां तक तो आप लोग का क्लियर हो गया पट्टी स्तर तक क्लियर हो गया अब चलिए हम लोग राज स्तर की बात करते हैं किस स्तर की राज स्तर अगर हम राज स्तर की बात करें साथियों तो नागवंशी जो राजा होता था नागवंशी राजा को महाराज कहा जाता था ठीक है नागवंशी राजा को महाराज कहा जाता था उसके अलावा कुछ कुछ पद थे यहां पर जो आप लोग को पता होना चाहिए कुछ पद क्या क्या थे जैसे एक पद था दीवान का पद राज स्तर पर एक दीवान का पद था इसका काम था वित्तीय मामलों का प्रमुख था ये ये क्या था वित्तीय मामलों का प्रमुख वित्तीय मामलों का प्रमुख ठीक है उसके बाद एक पोस्ट था इसमें पांडे का पोस्ट पांडे जो था दोस्तों ये था जो राजा की जो अनुमति होती थी ठीक है राजा की अनुमति ठीक है राजा की अनुमति से लिए गए निर्णय जो होते थे उसको मौखिक रूप से से, उसको मौखिक रूप से सभी को अवगत कराता था सभी को अवगत कराना ठीक है मौखिक रूप से सभी को अवगत कराना यह काम था ठीक है जी लिखते जा रहे हैं बढ़िया बात है यह किसका काम था पांडे का काम था समझ में आ गया आप लोग को हम्म? एक बार रिवाइज करा देंगे पूरा क्लियर हो जाएगा सब कुछ यहाँ तक क्लियर है सबका जी बिल्कुल अभिषेक जी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझ में आया मुरलीधर जी आप शुरू से नहीं देख रहे हैं क्या शुरू से पूरा देखिएगा समझ में आ जाएगा मुंडा शासन व्यवस्था भी देखना होगा तब ये समझ में आएगा नागवंशी शासन व्यवस्था ऐसे सेपरेटली समझ में नहीं आएगा उतना आपको मुंडा शासन व्यवस्था का क्लास देखना होगा तभी नागवंशी शासन व्यवस्था क्लियर होगा ठीक है चलिए, आगे बढ़ें। अब देखिए, आप लोग को अंत में बता देते हैं कि जैसे ये नागवंशी शासन व्यवस्था कमजोर कैसे पड़ी हुआ कुछ ऐसा कि जब सत्रह सौ पैंसठ ईस्वी में जब दीवानी राइट अंग्रेजों को हासिल हो गया है ना दीवानी राइट जब अंग्रेजों को हासिल हो गया उसके बाद आप लोगों को पता होगा सत्रह में अस्थायी बंदोबस्ती कानून आया अंग्रेजों के द्वारा लॉर्ड करने वाली इसके द्वारा ठीक है क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है देखिए सत्रह इस साल क्या हुआ था इस साल अंग्रेजों को अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा एवं उड़ीसा का दीवानी राइट मिल गया दीवानी अधिकार मिल गया ठीक है <laughs> जब तक मुगलों के ये में था तब तक तो ये लोग अनियमित तौर पर कर देते थे कभी देते थे कभी नहीं देते थे है ना जब कर मांगने के लिए मालगुजारी मांगने के लिए आता था मालगुजारी मांगने के लिए आता था और अनियमित तौर पर देते थे कभी देते भी थे, कभी नहीं देते थे नहीं मांगने आता था तो नहीं देते थे और मांगने आता था तो देते थे। लेकिन जब अंग्रेजों के द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी राइट हासिल हो गई इसको अंग्रेजों को तो फिर परिवर्तन होंगे निश्चित ही सत्रह में क्या आया था अस्थाई बंदोबस्ती कानून अस्थाई बंदोबस्ती कानून कब का आया था सत्रह सो तिरानवे ईस्वी में ठीक है अस्थाई बंदोबस्ती इसका प्रभाव क्या पड़ा ना इसका प्रभाव यह पड़ा कि अस्थायी बंदोबस्ती कानून आने से हर जगह तो जमींदारी प्रथा लागू हो गई और दूसरे क्षेत्रों से आए हुए लोग जो भूस्वामी बन गए जमींदारी वसूलने लगे जमींदारी प्रथा लागू हो गई और इसका यह प्रभाव पड़ा कि नागवंशी शासन व्यवस्था शासन कमजोर पड़ने लगा ठीक है कमजोर पड़ने लगा और इनके जो पदाधिकारी थे मतलब जो नागवंशी शासन व्यवस्था था यह जब पूरी तरह से कमजोर पड़ने लगा दोस्तों जब पूरी तरह से कमजोर पड़ने लगा तो मुंडा मानकी का महत्व मुंडा मानकी का महत्व मानकी वही भूईहर है इसमें मत कंफ्यूज होइएगा मुंडा मानकी का महत्व बस धार्मिक कार्यों तक सिमटकर रह गया धार्मिक कार्यों तक सिमट कर रह गया ठीक है जो शासन करने का जो इनका था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा जब अंग्रेजों के द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण हुए जब इस क्षेत्र का दीवानी राइट उनको मिल गया जब अस्थायी बंदोबस्ती कानून लागू हो गया है ना तो किस प्रकार से पहले मुगलों के आक्रमण ने नागवंशी शासन व्यवस्था के कार्य करने के तरीके में परिवर्तन लाया उसी तरह से जब अंग्रेज को अधिकार प्राप्त हुआ जब झार जब बंगाल बिहार उड़ीसा क्षेत्र में जब जमींदारी प्रथा लागू हुई उसका प्रभाव यह पड़ा कि ये पूरी नागवंशी व्यवस्था जो है नागवंशी शासन व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी और उनके जो पदाधिकारी होते थे बस धार्मिक कार्यों तक नाग ही सीमित रह गए है ना मुंडा मानकी जो है धार्मिक कार्यों तक ही सीमित रह गए तो यह पूरी कहानी थी दोस्तों नागवंशी शासन व्यवस्था की मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये पूरी जो व्यवस्था है सीमित दायरे में चल ही रही थी हालांकि इनके पास उतना कोई पावर नहीं था और आजादी के बाद तक उन्नीस ईस्वी तक यह शासन जो है एक अंदरूनी तौर पर चलती रही बिहार में जब जमींदारी उन्मूलन कानून आया उन्नीस में उसके बाद यह नागवंशी शासन व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई ठीक है उन्नीस में जब बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून आता है तो ये पूरी नागवंशी व्यवस्था समाप्त हो जाती है अंतिम राजा का नाम आप लोग याद रखिएगा, चिंतामणि चिंतामणि नाथ साहदेव ठीक है नागवंश का प्रथम राजा तो आप लोग को पता है फनी मुकुट राय बीच के जो राजा है हम क्षेत्रीय राजवंश में सब कुछ पढ़ाए हैं क्षेत्रीय राजवंश का जो चैप्टर है उसमें प्रताप राय उसमें आ, आपका फनी मुकुट राय उसमें आपका दोईसा में जो राजधानी बनाया था दुर्जन साल सबके बारे में बताएं सब के बताएं बारे में पर चूंकि शासन व्यवस्था पड़ रहा है इसलिए वो सब चीजें यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं किए हैं समझे तो अंतिम राजा का नाम क्या था चिंतामणि नाथ साहदेव और जो पहली राजधानी थी सुतियांबे थी और अंतिम राजधानी थी वो रातुगढ़ थी रांची के ही आसपास का क्षेत्र है ये नागवंश अंतिम राजधानी का नाम क्या हो गया अंतिम राजधानी का नाम रातुगढ़ है पहली राजधानी सुतियांबे है और जो पहला राजा था वो कौन था फनी मुकुट राय था है ना? पहला जो राजा था वो फनी मुकुट राय था और जो अंतिम राजा था दोस्तों उसका नाम क्या था उस उसका नाम था चिंतामणि सरन नाथ सहदेव चिंतामणि सरन नाथ सहदेव याद रखिएगा चिंतामणि सरन नाथ सहदेव अंतिम राजा हुआ ठीक है बाकी आप लोग जो है नोट्स मैं दे दूंगा ऐप में कल मैं नोट्स ही प्रिपेयर करूंगा इसका जो कि पुराना नोट्स जो है उसको और अलग ढंग से थोड़ा सा कुछ ऐड करना है उसमें पहले का भी नोट्स तो हमारा है ही मगर उसमें कुछ नए तरीके से और स्पष्ट तरीके से मैं आपको दूंगा ताकि आपको एक भी सवाल ना छूटे ठीक है चिंतामणि शरण नाथ साहदेव अंतिम राजा यह बात भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है तो ये कुछ कुछ बातें थी जो नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में थी आप लोग का उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा मुंडाओं की तरह ही इसकी शासन व्यवस्था चल रही थी जो बड़े परिवर्तन आए कब आए जब मुगलों का आक्रमण हुआ और पूरी तरह से ये लोग कमजोर कब हुए जब जमींदारी प्रथा इस क्षेत्र में लागू हो गई तो पूरी तरह से नागवंशी शासन व्यवस्था जो है कमजोर पड़ती गई और बिहार में जब आपका जमींदारी उन्मूलन कानून आता है उसके बाद ये शासन व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाती है रातुगढ़ इसकी अंतिम राजधानी हो जाती है ठीक है सी एन टी एस पी टी कब करवाएंगे सब करवाएंगे तो सी एन टी एस पी टी का वीडियो देख लीजिएगा चैनल पे है एक लाख लोग देख चुके हैं उसको एक लाख लोग हमारे सी एन टी एस पी टी का पहला वीडियो देख चुके हैं दो घंटे से ज़्यादा का वीडियो है ठीक है तो आप भी देख सकते हैं बार बार यूट्यूब पे बार बार कितना पढ़ाएं एक बार पढ़ाएं ना यूट्यूब पे बाकी ऐप में पढ़ाएंगे ठीक है YouTube पे वीडियो पड़ा हुआ सी एन टी एस पी डी का देख लीजिएगा चलिए दोस्तों तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी व्यवस्था समझ में आ गई होगी जो जो परिवर्तन थे बस उतना आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी जो चीजें थी पहले जैसी चल रही थी चलिए एक बार मुझे थम्सअप करके बताइए आज की क्लास आप लोग को समझ में आई ना पूरा एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए पूरी कहानी आज की समझ में आई ना एक बार मुझे थम्सअप कर दीजिए जितने लोग हैं जितना थम्सअप आएगा उतना मैं समझूंगा कि हाँ मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया है ना चलिए बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से चैट बता दीजिए चैट बॉक्स में आप लोगों को समझ में आ गया ना आज का क्लास चलिए चलिए जी बिल्कुल निर्मल जी बिल्कुल चलिए जितने कमेंट आएंगे उनका मैं ओके okay करूंगा चलिए आपको समझ में आ गया रितिका सिंह जी एस क्रिकेटा सचिन कुमार समझ में आ गया सबको समझ में आ गया पूछेंगे भाई सवाल हम ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं पूछ देंगे आपको सवाल चलिए थैंक यू सद्दाम हुसैन जी आपका भी क्लियर हो गया है सिंह को समझ में नहीं आया है शायद वो हेड्स डाउन कर रही हैं तो सचिता सिंह जी आप शुरू से एक बार क्लास देख लीजिएगा और मुंडा शासन व्यवस्था का क्लास भी देख लीजिएगा मुंडा शासन व्यवस्था का देखिएगा तभी समझ में आएगा समझे आज का क्लास डायरेक्ट देख रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी चलिए बाकी लोग सब को सबको समझ में आ गया है नोट डाल देंगे यार कुंदन क्यों टेंशन ले रहे हो ऐप में नोट्स डला जाएगा चलिए लगभग सबको समझ में आ गया है कोई यहां पर एक एक केवल सुचिता को समझ में नहीं आया उल्टा लाइक नहीं था उनको उनको उन्होंने थम्स डाउन किया शायद <laughs> जय मोहन यादव थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखे होंगे ना तो एकदम हंड्रेड परसेंट याद हो जाएगा और नहीं लिखे होंगे तो फिर लिख लीजिएगा चलिए नेक्स्ट टॉपिक बता देंगे टेंशन क्यों लेते हैं आप तो आज के सेशन को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग जेपीएससी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं करियर फाउंडेशन ऐप में जहां पे क्लासेस आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगी पूरी सिलेबस के साथ मिलेगी पूरी नोट्स के साथ मिलेगी पूरी तैयारी जिससे आपका पूरा स्ट्रांग हो जाए आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी

तो उसके लिए प्रीलिम्स का भी कोर्स अवेलेबल है अगर आप जीएस मेंस का कोर्स लेना चाहते हैं जीएस का भी कोर्स अवेलेबल है लैंग्वेज का भी कोर्स अवेलेबल है तो ये डेमो क्लासेस चल रहे हैं आप लोग के यूट्यूब चैनल पे आप लोग इसे देखिए समझिए और फिर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें ऑफिशियल नंबर पर बात कर लीजिए वहाँ पर आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी चलिए थैंक यू सो मच मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों चलिए गुड नाइट दोस्तों सभी को गुड नाइट शुभ रात्रि